चलिए अगला सवाल लेते हैं अतुल गर्ग जी का। अतुल जी नमस्कार, दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बताइए अतुल जी। नीरज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे पास वोडाफोन के एवरेजिंग 14,000 शेयर है 9 रुपए के रेट पर। अच्छा, कितने रुपए से लेना शुरू किया था? सर ये 12 रुपए से स्टार्ट किया था मैंने। चलो नीचे खींच के लाए आप 9 रुपए तक, अभी चल रहा है 10.70। सरवे जी फायदे में तो आ गया ट्रेड अतुल जी का। अतुल जी और रुकने का मूड है कि अब मन कर रहा निकल जाए? हाँ सर रुक सकते हैं जैसा कि आप बताएं। सरवे जी रुकना चाहिए क्या वोडा आइडिया में? देखिए पेनी स्टॉक्स में पहले कभी एक समय पे ईयरली क्लोज पे अच्छा लगा था, बट जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट आते गए आई थिंक कहीं वो स्ट्रक्चर्स इसके खराब हो गए, और उतने बढ़िया जिस तरह के मूव्स लग रहे थे एक आध साल पहले वो कहीं मूव्स उतने आए नहीं। तो 5 रुपए से मोटा मोटी आई थिंक 5 और ऊपर में 16-17 आई थिंक इसी रेंज में फंसा हुआ है। मानना मेरा यही रहेगा कि इसी रेंज में फंसा रहेगा, 2.5-3 साल हो गए इस रेंज में फंसे हुए, और जब तक ये रेंज रिजोल्व नहीं होती तब तक आई थिंक फंसा रहेगा। तो इनके कॉस्ट से थोड़ा ऊपर 15-16-17 तक जाए और वहां लगे कि इनको बुक करना है तो आई थिंक बुक करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रेंज नहीं निकलेगी तब तक कोई बहुत बड़े पैसे यहाँ बनते हुए मुझे नहीं दिख रहे। तो बेच लेना फिर तो। जी उछालों में बेचने की राय है, फिलहाल चल रहा है, मोमेंटम में है, बाजार भी चल रहा है, तो आई थिंक थोड़ा देख लें 15-20 दिन और देख लें, कॉस्ट या उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बनाने को मिले तो आई थिंक निकलना चाहिए। सेल ऑन राइस। ओके अब्दुल, अतुल जी इसको उछालों पे प्रॉफिट बुक करिएगा, है ना जी। 15 रुपए जा सकता है सर अभी? सर जी 15 रुपए जाएगा क्या? अब देखिए सर मोमेंटम तो पकड़ा है और लास्ट 2-3.5 सालों में गया है, ऐसा नहीं है 16-17 तक गया है, तो आई थिंक मैं मान के चलूंगा कि उतनी बड़ी रेंज है तो डेफिनेटली एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। तो एक मैंने इसीलिए बोला 15-20 दिन और दे दें इसको वर्किंग डेज, और चाहे तो दोबारा एक बार राय ले लें, क्योंकि बहुत क्वालिटी स्टॉक नहीं है जिसमें बहुत बढ़िया कोई पैटर्न बने हो ऐसा तो नहीं दिख रहा, इसके लिए मैं उनको उतनी स्ट्रॉन्ग राय नहीं दे पा रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से 15-20 दिन बाद दोबारा राय ले लें, तब तक बने रहे ट्रेड। हाँ ऐसे में ऐसे वाले जो स्टॉक है ना जहाँ पे कुछ पता नहीं कब का हो जाए, तो उसमें फिर आप अपने मन में एक अपने अंदर एक लक्ष्य बना लीजिए कि मेरे को इसको 12 रुपये बेच देना है या 11 रुपये, मतलब जो भी आपको लगता हो रिजनेबली। 15 का लक्ष्य रखना हो, मान लीजिए 14.75 रुपये से लौट आया और या 10 रुपये फिर आ गया, तो आप तो इसी इंतजार में बैठ रहे हो कि 15 रुपये नहीं आया। तो मन में एक लक्ष्य बना लीजिए, चूँकि आप प्रॉफिट में ट्रेड में हैं तो दोबारा से आप अपना समय उसमें ना व्यतीत करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पे, वापस आएंगे फिर सवाल जवाब।